Welcome back in our today's maths class. Students, this is the last class of this semester. In today's class, we are going to learn the comparison of fractions, arranging the fractions in ascending order, arranging the fractions in descending order, addition of fractions and subtractions of fractions. Students, of the pehle is of numbers mein kar liya, yes, in our first chapter. Same way hum fractions ka karne wale hain. Okay, students, give heading exercise 6D. In that, question number 1 is compare the following pairs of fractions. Compare the following pairs of fractions. In that, number A is 5/8 and 4/8. Now students, in this you can see that both the denominators are same. Dono ke denominator mein kya hai? 8 and 8. तो 5/8 बड़ा होगा कि 4/8? यस, 5/8, तो उसके सामने साइन. सो 5/8 इज ग्रेटर देन 4/8. अंडरस्टूड? नंबर बी इज 11/15 एंड 8/15. नाउ स्टूडेंट्स, अगेन हियर यू कैन सी दैट बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, 15 and 15. So 11 is bigger or 8 is bigger? Yes, 11 is bigger. So uske samne sign open karenge. So 11/15 is bigger than 8/15. Understood? Now number C is 7/10 and 11/12. Now students, here both the denominators are डिफरेंट, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है, तो क्या करेंगे? तो हम एलसीएम लेंगे. किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर्स का. क्यों एलसीएम लेंगे? क्योंकि अब हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा. सो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 10 एंड 12. हमने ऑलरेडी एलसीएम लर्न कर लिया है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, नाउ दिस 10 एंड 12 बोथ आर इवन नंबर्स, सो दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2. 2 5s are एंड 2 6s are. नाउ 5 इज एन ऑड नंबर, 6 इज एन इवन नंबर, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. 5 एज इट इज एंड 3, देन 5 एंड 3. नाउ दिस बोथ आर ऑड नंबर्स, सो 3 के साथ चेक करेंगे. सो दिस 5 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, सो 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 एज इट इज एंड 3 वन्स आर, एंड देन 5 वन्स आर एंड वन्स आर. ओके, सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स. 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, एंड 12 5s आर इज 16. नाउ आवर एलसीएम इज 16, मतलब अब हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 60 लाना है. ओके, सो 7/10. नाउ 10 के टेबल में 60 कब आता है? 10 6s आर. अब हमने यहां पर 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 7 को भी किसके साथ करेंगे? 6 के साथ. 10 6s are एंड 7 6s are. डैश 11/12. 12 के टेबल में 60 कब आता है? 12 5s are. अब 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 11 को भी किसके साथ करेंगे? 5 के साथ. नाउ 7 6s are इज 42, 10 6s are 60, डैश 11 5s are 55, 12 5s are 60. Now both the denominators are same, both are 60. So which is bigger? 42 or 55? Yes, 55. So 42/60 is lesser than 55/60. Okay, number D is 5/9 and 4/5. Now we have to take LCM of 9 and 5, that is 45. Yes, LCM of 9 and 5 is 45. So 5/9, 9 ke table mein 45 kab aata hai? 9 5s are.
9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी हमें किसके साथ करना होगा, 5 के साथ, डैश 4 अपॉन 5। 5 के टेबल में 45 कब आता है, 59 सर। अब 5 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी किसके साथ करेंगे, 9 के साथ। व्हाट इज 5, 5 आर 25, 9 5 आर 45, 4 9 आर 36, 5 9 आर 45। नाउ here you can see that both the denominators are same, so which number is bigger, 36, so 25 upon 45 is lesser than 36 upon 45। students we have discussed a b c and d, e and f is your homework, okay। give heading question number 2, arrange the following fractions in ascending order। अब हमें ये कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर, एंड असेंडिंग ऑर्डर यानी कि फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ओके। Now number A is 9 upon 11, 3 upon 11 and 8 upon 11. Here all the denominators are same, these all are like fractions, so it is easy to arrange, directly hum usko arrange kar sakte hai। Din mein se sabse chota kaun hai, 3 upon 11, phir 8 upon 11 and phir 9 अपॉन 11, ओके। जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो बहुत इजी होते हैं, जैसे हम नंबर्स को अरेंज करते वैसे ही इसको अरेंज करना है। जब अनलाइक फ्रैक्शन होगा तब हमें उनका एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स का, ओके। नाउ नंबर बी इज 5 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 एंड 3 अपॉन 9। अब इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, 9 9 9, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, 3, सो 3 अपॉन 9, फिर 5 अपॉन 9 एंड लास्ट में 8 अपॉन 9। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट सम नंबर सी, दैट इज 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 6 एंड 2 अपॉन 3। Now here you can see that all the denominators are different, सबके denominators अलग है, तो हमें क्या करना होगा, LCM, किसका LCM लेंगे, denominators का। क्यों LCM लेंगे, क्योंकि अब हमें उसको like fractions में convert करना है। So we will draw a line for rough work, okay, and we have to take LCM of 2, 6 and 3, किसका LCM लेना है, 2 6 and 3, so 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 3 as it is, and then 3 1s are 1s are and 1s are, so our LCM is 2 into 3, that is 6। So ab hame denominator mein kya lana hai, 6, okay, so 1 upon 2, 2 ke table mein 6 kab aata hai, 2 3s are, तो 1 को भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। दूसरा है 5 अपॉन 6, यहां पर ऑलरेडी 6 है तो कोई चेंज नहीं करना है। फिर 2 अपॉन 3, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2s are, एंड 2 के टेबल में 2 2s are। व्हाट इज 1 3s are, 3, 2 3s are, 6, 5 अपॉन 6, 2 2s are, 4, 3 2s are, 6। अब सबके डिनोमिनेटर्स में 6 6 6 आ गया है, तो स्टूडेंट्स इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यस 3 अपॉन 6, फिर 5 अपॉन 6 एंड देन 4 अपॉन 6। अब हमें इनकी वैल्यू के हिसाब से रखना होगा, तो 3 अपॉन 6 उसकी वैल्यू क्या थी यहां पर क्वेश्चन में, 1 अपॉन 2, फिर सॉरी यहां पर 3 अपॉन 6, उसके बाद आएगा 4 अपॉन 6 एंड इधर 5 अपॉन 6, ओके।
सो 4 अपॉन 6 की वैल्यू क्या थी, 2 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 6. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? वी हैव डिस्कस्ड ए बी सी, नाउ डी ई एफ इज योर होमवर्क. ओके ओके, नाउ गिव हेडिंग, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 11 अपॉन 19, 5 अपॉन 19 एंड 15 अपॉन 19. नाउ हियर यू कैन सी दैट ऑल दीज डिनोमिनेटर्स आर सेम, दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस. यस, तो जब लाइक फ्रैक्शंस होगा तब अरेंज करना इजी हो जाएगा, तब हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो इजीली हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. तो इन तीनों में से सबसे बड़ा है 15, तो 15 अपॉन 19, उससे छोटा 11 अपॉन 19 और सबसे छोटा 5 अपॉन 19. आया समझ में? ओके, नाउ नंबर बी इज 4 अपॉन 7, 5 अपॉन 6 एंड 2 अपॉन 3. नाउ हियर यू कैन सी दैट ऑल दीज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी हैव टू टेक एलसीएम. एलसीएम किसका लेंगे? डिनोमिनेटर्स का. तो हमारे पास कौन कौन से डिनोमिनेटर्स है? 7, 6 एंड 3. नाउ 2, 2 के टेबल में 7 नहीं आते, तो 7 एज इट इज. 6 कब आता है? 3 जार एंड 3 जार. नाउ 3, 3 के टेबल में 7 नहीं आते, तो 7 एज इट इज, 3 वन जार एंड 3 वन जार. एंड लास्ट वन इज 7, वन जार एंड वन जार. सो एलसीएम इज 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जार 6, 6 7 जार 42. तो अब हमें सबके डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 42. ओके, सो 4 अपॉन 7, 7 के टेबल में 42 कब आता है? 7 6 जार. अब नीचे हमने 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 4 को भी हम किसके साथ करेंगे? 6 के साथ. दूसरा है 5 अपॉन 6, 6 के टेबल में 42 कब आता है? 6 7 जार. तो 5 को भी किसके साथ करेंगे? 7 के साथ. एंड लास्ट वन इज 2 अपॉन 3. अब 3 के टेबल में 42 कब आता है? 14 जार. यस, 14 3 जार 42. तो 2 को भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 14 के साथ. अब हम आंसर्स लिखेंगे. व्हाट इज 4 6 जार? 24 अपॉन 42. देन 5 7 जार 35 अपॉन 42. एंड 2 14 जार यानी कि 14 2 जार 28 अपॉन 42. अब सबसे बड़ा कौन है? 35 अपॉन 42, फिर 28 अपॉन 42, फिर 24 अपॉन 42. अब स्टूडेंट्स 35 अपॉन 42 की वैल्यू क्या थी? 5 अपॉन 6. फिर 28 अपॉन 42 की वैल्यू क्या थी? 2 अपॉन 3. एंड 24 अपॉन 42 उसकी वैल्यू थी 4 अपॉन 7. ओके, नंबर सी दैट इज 11 अपॉन 4, सॉरी इट्स 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 11 अपॉन 12 एंड 7 अपॉन 8. हमें किसका एलसीएम लेना है? 4, 12 एंड 8. ओके, फोर ट्वेल्व एट. टू के टेबल में फोर कब आता है? टू टू जार, टू सिक्स जार एंड टू फोर जार. अगेन टू वन जार, टू थ्री जार एंड टू टू जार. अगेन टू वन का वन, थ्री का थ्री, टू वन जार एंड लास्ट में थ्री वन जार थ्री. अब हमारा एलसीएम होगा टू टू जार फोर, टू टू जार फोर, फोर टू जार एट, एट थ्री जार 24. ओके, हमारा एलसीएम क्या आया? 24. सो 1 अपॉन 4, 4 के टेबल में 24 कब आता है? 4 6 जार. तो 1 को भी किसके साथ करेंगे? 6 के साथ. फिर 11 अपॉन 12, 12 के टेबल में 24 कब आता है? 12 2 जार. तो 11 को भी हम किसके साथ करेंगे? 2 के साथ. 7 अपॉन 8, 8 के टेबल में 24 कब आता है? 8 3 जार. तो 7 को भी 3 के साथ. ओके, 1 6 जार 6, 4
4 6 are 24, 11 2s are 22, 12 2s are 24, 7 3s are 21, 8 3s are 24. अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 22 upon 24, 21 upon 24 एंड 6 upon 24. सो 22 upon 24 उसकी वैल्यू क्या है? 11 upon 12. फिर 21 upon 24 उसकी वैल्यू क्या है? 7 upon 8 एंड 6 upon 24 उसकी वैल्यू है 1 upon 4. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड ए बी एंड सी, डी ई एफ एंड जी इज योर होमवर्क. ओके ओके, नाउ गिव हेडिंग एक्सरसाइज 6E. एक्सरसाइज 6E. इन दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस. अब हमें यहां पर लाइक फ्रैक्शंस दिए उनका प्लस करना है. वो बहुत ही इजी है, सिर्फ हमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर का ही प्लस करना है. डिनोमिनेटर तो एज इट इज सेम रहेगा. ओके, सो नंबर 1 इज 2 upon 9 plus 3 upon 9. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज 2 plus 3? 5 upon 9. फिनिश्ड. नंबर बी इज 3 upon 13 plus 7 upon 13 plus 3 upon 13. व्हाट इज 3 plus 7? 10. 10 plus 3 is 13. सो 13 upon 13. ओके, नाउ नंबर सी, दैट इज 11 upon 19 plus 3 upon 19. स्टूडेंट्स, व्हाट इज 11 plus 3? यस, गुड, 14. सो 14 upon 19. नंबर डी इज 6 upon 21 plus 8 upon 21 plus 2 upon 21. Now what is 6 plus 8? 14. 14 plus 2 is 16. So 16 upon 21. Students, we have discussed A, B, C, D. Now E and F is your homework. Okay. Now number E, sorry, give heading question number 2. Subtract the following like fractions. Subtract the following like fractions. स्टूडेंट्स, जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन. सिर्फ हम न्यूमरेटर को ही माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. ओके, दिस ऑल आर लाइक फ्रैक्शन, सो वी डोंट हैव टू टेक एनी एलसीएम. ओके, सो नंबर ए इज 7 upon 17 minus 2 upon 17. नाउ व्हाट इज 7 minus 2? 5. डिनोमिनेटर में क्या है? 17. सो 5 upon 17. ओके, नंबर बी इज 19 upon 24 minus 7 upon 24. नाउ व्हाट इज 19 minus 7? यस, 12. सो 12 upon 24. नंबर सी इज 17 upon 19 minus 1 upon 19. नाउ व्हाट इज 17 minus 1? 16 upon 19. नंबर डी इज 7 upon 12 minus 4 upon 12. नाउ व्हाट इज 7 minus 4? 3 upon 12. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 3 देर आर वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, वो हम कैंसिल कर रहे हैं. ओके, मतलब जितना हमने क्लास में सीखा है, वीडियोस में देखा है, उतना ही आएगा. ओके, सो डोंट डू दीज वर्ड प्रॉब्लम्स इन योर फैमिली. Understood all of you?